हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के क्लास सिक्स के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आज मैं चैप्टर फोर को एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर वन टू थ्री को मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आज मैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। यह वीडियो जो लोग सीटीटी की तैयारी सोशल स्टडीज से करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत अश्वेत, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। यहाँ पे हम लोग देखें कि भिन्न भिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं, उसमें गोरे काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है वो भी रहते हैं, जैसे हम लोग जो भारतीय हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू ने एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक मिला जो अखबार के कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल की स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। ठीक है, तो यह बच्ची अपने बक्से की सफाई कर रही है और उस सफाई के दौरान क्या होता है, एक स्क्रैप बुक इसको मिलता है जिसमें बहुत सारे अखबार का कतरन सब चिपका के वो तैयार किया गया था। उसमें एक 15 साल का लड़का था स्कूल जाने वाला, उनकी बहुत सारी तस्वीर थी। जब वह देखती है तो अपनी माँ से पूछती है, तो माँ वो उसकी बताती है कि यह हेक्टर पीटरसन है और इसको पुलिस ने गोली मार दी थी। ठीक है, अब माया को बहुत आश्चर्य लगता है। वो पूछने लगती है कि इसको क्यों पुलिस ने गोली मार दी थी। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी, और ये उस समय की बात है तब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून पूरे चरम सीमा पर था। रंगभेद कानून से दक्षिण अफ्रीका पहले यह बताई कि रंगभेद से शासित था। और रंगभेद का मतलब होता है त्वचा के रंग, यानी हम मेरे गोरे काले और सांवले होने पे उसके आधार पे भेदभाव करना। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजाति को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। और वहाँ का कानून जो था उसके मुताबिक, इस देखिए इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकते थे। ऐसा होता था कि जैसे अलग अलग समूह में बटा हुआ है लोग रंग के आधार पे, तो वे लोग आसपास रह भी नहीं सकते थे और आम सुविधा जो होता था उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब माया को बहुत आश्चर्य लगता है। उसको अपने कान पे भरोसा नहीं होता है कि उसकी माँ क्या कह रही है। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। और वह बता रही थी माया की माँ, तो उसको किसी को भी गुस्सा आएगा इस तरह के कानून के बारे में। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, और अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वो ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। और इस तरह का फैला हुआ था कि वहाँ का जो अस्पताल था वो भी अलग अलग होता था, श्वेत के लिए अलग और अश्वेत के लिए अलग। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए जिन गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था तो उन गाड़ी में जो वहाँ के श्वेत लोग थे उनके लिए ज़रूरत का पूरा सामान उसमें रहता था, सुसज्जित रहता था, जबकि अश्वेत लोग जो थे उनके गाड़ी में कुछ भी सुविधा नहीं होती थी। उनकी यहाँ तक उनकी रेल और बसें भी अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के बस स्टैंड जो थे वो भी अलग थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी।
और अश्वेत लोग जो वहाँ पे थे उनको वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। और वहाँ खेती के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल होता था तो सबसे अच्छी किस्म की जो ज़मीन होती थी, सबसे अच्छी ज़मीन होती थी वह वहाँ के श्वेत लोगों को मिलता था, और सबसे घटिया ज़मीन जो होता था वह ज़मीन अश्वेत लोगों को मिलता था। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोग एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। तो अब स्पष्ट हो गया कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। देखिए, दक्षिण पश्चिम हिस्से में था शहर जिसका नाम था सोवेटो, ठीक है। यहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे और सोवेटो में सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था, और जिस हेक्टर पीटरसन के बारे में उसकी माँ उसको बता रही थी वह वहीं रहता था। और वहाँ के अश्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, और वहाँ के अश्वेत लोग जो थे सो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। अब ये जो थे हेक्टर, इनके ऊपर और बहुत सारे विद्यार्थी के ऊपर जोर डाला जाता था वो भाषा सीखने के लिए, जबकि ये लोग अपनी भाषा, इनका भाषा था जुलू, उसको सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था, और हेक्टर जो था सो क्या कर रहा था कि अपने साथियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इस लड़के को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वो मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है, और यह जो विरोध कर रहा था इसके कारण जो वहाँ की पुलिस थी सो ये लोगों को बेरहमी से पीटा और भीड़ हो गई, भीड़ पर गोलियां बरसाई गई और उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मर गया। और यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोग को बराबर माना जाने लगा, और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला, इसका नाम आप लोग सुने होइएगा। ये रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया और अंततः 1994 में उन्हें सफलता भी मिली और दक्षिण अफ्रीका जो है वह एक लोकतांत्रिक देश बन गया, और तब से सभी प्रजाति के लोगों को बराबर माना जाने लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आइए समझने की कोशिश करें कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। अब सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? हमने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। और हम लोग पिछले पाठ में पढ़े थे कि चुनाव होता है कि अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, और वे प्रतिनिधि जो होते हैं सो लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और सारे लोग यही मानकर उनको अपने सत्ता में लाते हैं, यही मानकर कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में जरूर रखेगा। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निश्चित समय के लिए सरकार को चुना जाता है, अपने यहाँ भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है, और एक बार जब सरकार चुन लिया जाता है तो वह 5 वर्ष तक सत्ता में बनी रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, और चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी होता है जब उसको पता चलता है कि लोकतंत्र में हमारी ताकत कितनी है, ठीक है। अपनी ताकत को उसी समय महसूस करते हैं, और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों में सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब अगले
वीडियो में हम लोग भागीदारी के अन्य तरीकों को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।